खवातीन में डिफरेंट एजेस में डिफरेंट वजूहात की बिना पर यूरिन की लीकिंग का इश्यू होता है। अब यूरिन पेशाब की लीकिंग के आपके ना चाहते हुए पेशाब निकल जाए, ये इसकी वजूहात डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि जो बच्चे की को जब एक औरत बच्चा पैदा करती है और वो जब जब यूट्रस से निकलता है और इधर से बर्थ कैनाल से गुजरता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को वो स्ट्रेच करते हैं ना, तो उससे उस प्रेशर से और उसके गुजरने से जो डैमेज होता है वो सबसे बड़ी वजह होती है पेशाब के लीक करने की, यूरिन के लीक करने की। इसमें क्या होता है, जब खातून खांसती है या छींकती है या हंसती है, को वज़न उठाती है, तो उसका यूरिन लीक हो जाता है। इसकी जो साइंस है उसको हम डिटेल में भी नहीं भी जाते, बट इसमें आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। अगर आपका यूरिन वैसे बार बार आ रहा है तो वो शायद इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें यूरिन का एग्जामिनेशन कराएं। अगर खांसी छींक हंसने से निकल रहा है तो इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि जो प्रेशर आता है, जो स्ट्रेस आता है हंसने से, खांसने से, छींकने से, वज़न उठाने से, उसकी वजह से यूरिन निकल जाता है। और एक तीसरी वजह होती है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, कि ब्लैडर की जो वॉल्स हैं, आपके मसाने की जो दीवारें हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देने लग जाती है गलत टाइम पे। ऐसी सूरत में होता है कि एकदम एक खातून को महसूस होगा कि उसको वॉशरूम जाना है, लेकिन जाने से पहुंचने से पहले यूरिन निकल जाता है। सो जब बार बार यूरिन आना, इन्फेक्शन, प्रेशर, हंसना, खांसना, इससे निकलना, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और बाथरूम पहुंचते पहुंचते यूरिन निकल जाना, ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब जो इन्फेक्शन आसानी से ट्रीट हो जाती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, हम आपके एक्सरसाइजेज, वेट लॉस, कुछ लेज़र, कुछ मसल एक्सरसाइजेज, चीज़ें हैं जो आप इसको बहुत बेहतर करती हैं, और ऑपरेशन भी। और तीसरा जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है उसके लिए भी हम दवाइयां हैं जो हम आपको दे सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज जिनसे आप कुछ कंट्रोल को बेहतर कर सकें। सो असल में बात यह है कि जो भी वजह हो यूरिन के बार बार आने या निकलने की, आप को इसके साथ घर नहीं बैठे रहना कि बस ये तो अब नसीब की बात है, अब मुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप सबसे पहले यूरिन का एक टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आगे आपको गाइड कर सके कि आप कहाँ तक खुद अपने आप को बेहतर कर सकते हो और क्या दवाइयाँ और प्रोसीजर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।